परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों का वर्णन किया, राम नाम की महिमा को गाया। हम नाम का जाप करते हैं किस लिए? उस नामी की, उस परमेश्वर की प्राप्ति की हृदय में आकांक्षा लिए हुए, ये भाव लिए हुए कि देव दया उस जन पर अवश्य मेव हुआ करती है जो बड़ी श्रद्धा से, प्रीति से और दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ उसकी शरण को ग्रहण करता है, अर्थात उसके नाम का जाप करता है। उसकी शरण को ग्रहण करना केवल मत्था ही टेकना नहीं है। मंदिर में गए, पत्र, पुष्प, जल, प्रसाद, चुनरी चढ़ाई, तो ये समर्पण हो गया। ये तो पूजा की विधि है, परंतु सर्वश्रेष्ठ साधन है उपासन, उसके नजदीक आसन लगाना, उसके नजदीक आसन, उसकी सन्निधि, उसकी समीपता अनुभव करना। उसकी समीपता अनुभव करते हुए उसके सन्निध्य में, उसके नजदीक, उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करना। दो प्रकार के साधक हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ली है और जिन्होंने नहीं ली है। दोनों ही राम नाम तो जप सकते हैं, परंतु जब गुरु धारण कर लिया, अब गुरु का कार्य नाम दीक्षा देकर समाप्त नहीं हो जाता। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, तब गुरु का कार्य हो जाता है जिन्होंने राम नाम की दीक्षा ली है, उसके लिए स्वयं देव आदि देव में याचना करना, प्रार्थना करना। अब नाम दीक्षा भी अगर विधि अनुसार होगी तो ही वह फलीभूत हो पावेगी। महाराज ने वर्णन किया, यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा ये मंत्र लिया जावे तो कुछ ही पलों में साधक की वृत्तियां नाम के साथ जुड़ जाती हैं। जो पहला पड़ाव है, इसलिए राम कृपा अवतरण में सातवां श्लोक गुरु महाराज ने वर्णन कर दिया, मंत्र धारण यों कर विधि से लेकर नाम, नाम लेना है नाम दीक्षा द्वारा तो विधि पूर्वक लेना। जैसे शाखा जीवत लागे, अब प्लास्टिक की कलम को कितना भी धरती में आप उसको बो दोवे, पानी दिए जाओ, खाद दिए जाओ, वह कदापि फलीभूत नहीं होगी। रबड़ प्लास्टिक की ना बीज ना वह कलम, जैसे शाखा जीवत लागे, गुलाब के फूल की कलम लगाई जाती है, वह जो उपजने वाली है उसी से फूल फल प्राप्त हुआ करते हैं, नाना औषधियां उसी के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई विधि है, कोई विधान है। महाराज ने कहा, मंत्र धारण यों कर विधि से लेकर नाम। अब विधि पूर्वक नाम जब किसी अनुभवी मनुष्य के मुख द्वारा जो भी नाम तुझे प्राप्त हो जावे,
जो नाम प्राप्त हो जावे। तब महाराज ने कहा था सभी मंत्र फल देने वाले हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। जो जिसमें जिस प्रकार जिसकी श्रद्धा है, परंतु विधि, विधि क्या है? अनन्य भक्ति होवे, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, आज इधर कल उधर, सुबह कहीं साय कहीं, ऐसा नहीं। दृढ़ व्रति हो करके, दृढ़ निश्चय से जिस मंत्र को देव आदि देव की कृपा से उसने प्राप्ति करवा दी, अब दृढ़ निश्चय विश्वास हो गए। जपिए निश्चय अचल से, चलायमान नहीं होना, अपना निश्चय अब अटल हो जावे। शक्ति धाम श्री राम, हां, और जितने भी मंत्र हैं, इसी मंत्र जो शक्ति का धाम है श्री राम, उसी से विस्तृत हुए हैं। सबका मूल राम ही है, इसलिए देवी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा अनादि काल से राम नाम का जाप ही करते आए हैं। ये राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, सभी मंत्र इसी से शक्ति ले रहे हैं। परंतु साधक दृढ़ व्रती बना रहे कि जो नाम मुझे प्राप्त हुआ है, नाम में नामी यूं बसे। हम नाम का जाप करते हैं तो जिसका जाप है वह भी तो कोई है। राम 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 ये तो शब्द है, फिर राम भी तो कोई है ना, वह भी तो कोई शक्ति है ना, तो वह शक्ति कहां है? नाम में नामी जो बसे, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उसका देवता अपने नाम में ही अपनी सर्व शक्तियों सहित विद्यमान रहता है। कैसे? नाम में नामी यूं बसे, पुष्प में जो सुवास, जैसे फूल में सुगंधी वास करती है, इसी प्रकार नाम में नामी अपना उसका निवास स्थान हुआ करता है। शब्द अर्थ, शब्द में ही अर्थ है, हमें नहीं पता एक शब्द के अर्थ का, इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसका अर्थ नहीं है। हम राम नाम में उस राम को अगर नहीं अनुभव करते हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह शक्ति उसमें विद्यमान नहीं, हमें ज्ञान नहीं। जिस प्रकार बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ क्या है मानव को नहीं पता होता, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि शब्द का अर्थ ही नहीं है, अर्थ तो है, हमें नहीं पता। इसी प्रकार नाम में नामी वह परमात्मा विराजमान है, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी उतनी भक्ति इतनी तपस्या ना होने के कारण वह हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, परंतु वह तो है। शब्द अर्थ गुणी गुणीवत कहे एक निवास, जहां शब्द होता है उसी के भीतर उसका अर्थ होता है, कोई बाहर से अर्थ नहीं आता एक शब्द का अर्थ। इसी प्रकार नाम में नामी वह परम पिता परमात्मा अपने नाम में विराजमान होता है। अब यह साधक विधि पूर्वक नाम, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपेओ हरि जैसे, दृढ़ निश्चय के साथ। ध्रुव को मां ने कह दिया तेरा परम पिता परमात्मा ही पिता है, बस अब इतनी लगन लग गई बाल काल में ही, छोटी वर्ष
छोटी आयु में भगवान को अपने सम्मुख प्रकट कर लिया। प्रहलाद, हिरण्यकेशव ने कौन कौन से कष्ट नहीं दिए, कौन कौन सा दुख नहीं दिया, गले में पत्थर डालकर पानी में फेंकवा दिया, ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया गया, परंतु राम ने सभी वह प्रयास निष्फल करता चला गया। किसके बल पर? मेरा रक्षक तू है, मेरा पालनहार तू है, ये जीवन देने वाला तू है और जीवन को हरने वाली मृत्यु भी तू है। इतना दृढ़ निश्चय विश्वास, साधक चरम चक्षु बंद करता है, ये आंखें चरम चक्षु, और भीतर के नयनों से उसको अवलोकन करता है, अब उसके साथ एकाकार कर लेता है, अब उस शक्ति में इतना निमग्न हो जाता है, इतना एकाकार हो जाता है, बाहर के दुख कष्ट रोग तकलीफ उसको कोई भी, जैसे फूल का प्रहार हो, पुष्प का प्रहार, उसके लिए कष्टकारी नहीं रहते। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जब लाहौर में गीता की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, तो किसी ने मुस्लिम उनके पीर पैगंबर के लिए कुछ अपशब्द लिख दिया था, तो एक युवक ने अज्ञानतावश भ्रांतिवश जब श्री स्वामी जी महाराज लाहौर में बैठे उस पुस्तकालय में जहां गीता प्रिंट होनी थी उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, तो उस युवक ने भ्रांतिवश यह समझ लिया कि हमारे पीर पैगंबर के लिए इन्होंने ही कोई अपशब्द लिखा होगा, तो उसने पीछे से स्वामी जी महाराज को छुरा मार दिया। तब बाल ब्रह्मचारी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उनकी पगड़ी नीचे गिर गई, पगड़ी को उठाया, एक युवक पास में था कि इसको मेरे आश्रम में पहुंचा देना, डॉक्टरों के पास ले गए, हॉस्पिटल में एसएसपी स्वयं उस समय उपस्थित हुए कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो सभी के गुणगान करता हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, आप किसी के विरुद्ध कोई अपनी दरखास्त लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी के विरुद्ध कुछ नहीं लिखवाना चाहता। अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना था क्योंकि जख्म बहुत गहरा था, तो स्वामी जी महाराज से कहा, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे कोई एनेस्थीसिया आप नहीं देंगे, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कितनी देर ऑपरेशन होगा, जितनी अवधि के लिए आपने मेरे शरीर के साथ वह चीर फाड़ करनी है, उतनी देर मैं अपने शरीर से बाहर हो जाऊंगा, आप अपना कार्य करना, जब आप जितना समय देंगे उसके बाद मैं अपने शरीर में प्रवेश करूंगा। ऐसा ही हुआ, जितना समय डॉक्टरों ने बताया, स्वामी जी महाराज को बिना एनेस्थीसिया दिए हुए वह ऑपरेशन पूरा किया गया, स्टिचेस लगने थे, इन्फेक्शन ना हो, सभी मेडिसिन उसको इस्तेमाल करना था, परंतु वह शरीर टस से मस नहीं हुआ जिस प्रकार एनेस्थीसिया का कार्य होता है। जब वह पूर्ण हुआ
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पुनः अपने इसी देह में आ गए। अर्थात नाम जाप का प्रभाव, बाहर के परिवर्तन महापुरुषों को दुखदाई रहते ही नहीं, साधारण मानव के नेत्रों में वह देखता हुआ कहता है वह दुखी है, वह कष्ट में है, वह तकलीफ में है, वह रोगी है, परंतु वह भक्तों अपने आंतरिक अवस्था में उस परम पिता परमात्मा के साथ फाग खेल रहा होता है। ये नाम की शक्तियां, ये सिद्धियां, नौ निधियां समय लगता है। हालांकि साधक का यह लक्ष्य नहीं होता कि मुझे निधियां प्राप्त हो जावे, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जावे। वह परम पिता परमात्मा उसका विधान है, जो जाप बड़ी लगन से प्रीति से करता है उसे ये सौगात वह परम पिता परमात्मा आप प्रदान करता है। साधक नहीं मांगता, ना इनकी प्राप्ति पर कोई प्रदर्शन करता है, छुपा लेता है परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की तरह सफेद कपड़ों में रहते हुए संत, कहीं प्रदर्शित नहीं किया, अपने आप को कभी बड़ा नहीं माना, ना नाम बदला ना अपना पहरावा बदला। ये समय लगता है। जब दृढ़ व्रति होकर के मानव नाम का जाप करता है, ये रिद्धियां सिद्धियां तो पांव तले अटकेलियां लेती हैं, परंतु साधक विचलित ना हो जावे। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग, बीज एक छोटा सा, आप जामुन का ही उदाहरण ले लो, जामुन का बीज कितना बड़ा होता है, बिल्कुल छोटा सा। अब उसको बो दिया गया, मंत्र धारण यों कर विधि से लेकर नाम, अब मंत्र व नाम भीतर हृदय में बो दिया। जैसे बीज छोटा सा, जामुन का बीज कितना छोटा सा, अब उसको क्या चाहिए, जल पानी चाहिए, रज धरती चाहिए और ऋतु का सहयोग चाहिए। पाकर विकसे क्रम से, अंकुर आवेगा, छोटा सा पौधा बन जावेगा, देखते ही देखते कितना ऊंचा सुदृढ़ वृक्ष बन जावेगा। अब एक बीज के बदले में लाखों जामुन का फल और प्रत्येक फल में एक एक बीज, और अब एक से अनेक, वो सारा इतना बड़ा वृक्ष, इतनी टहनियां, इतने पत्ते, इतने वह फल उसी छोटे से बीज में विद्यमान रहे हैं। इसी प्रकार ये रा आ और मा, ये मंत्र उसी प्रकार विकसित होता है। धैर्य रखनी होती है, विश्वास रखना होता है। यथा वृक्ष भी बीज से, उसी छोटे से बीज से कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। कैसे, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग, इसी प्रकार ये मंत्र ये फलीभूत हो जाता है। इसकी अपार शक्तियां साधक के सम्मुख होती हैं। समय पूरा हुआ, प्यारे नाम जाप में जो विधियां हैं, बोल करके जाप, वाचिक जाप, उपांशु जाप, जीभा के द्वारा जाप, जीभा के द्वारा होंठ नहीं हिलते, वाणी नहीं सुनाई देती, परंतु माला लेते हुए होंठ बंद रहते हैं, भीतर जीभ हिलती रहती है, राम 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 राम, ये भीतर आवाज नहीं आती। अब इसके पश्चात सन्निध्य में जाप,
सनिध प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण परमात्मा को अपने अंग संग रोम रोम में अनुभव करना और उसकी समीपता में रहते फिर भावात्मक जाप मानसिक जाप ये एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग तरह का जाप होता होगा। हर समय ध्यान में बैठकर जाप नहीं हो सकता, परंतु सन्निध में ये सोते जागते मानव जाप कर सकता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है। उसकी सन्निधि उसकी समीपता प्रत्येक पल अनुभव कर सकता है। अधिक से अधिक दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ जाप करना उत्तम है। आज बुधवार भीतर महाराज के कमरे में अखंड जाप आरंभ होगा, साय 5 बजे समापन होगा। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति शक्ति मते परमात्मने श्री